अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का पहले क्वेश्चन का फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, अभी हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स के डिफरेंट है। क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है। सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट के लिए 1 और ये प्लस की साइन बीच में और 5/7। ठीक है, इक्वल टू की साइन डालना नहीं भूलना, हमेशा इक्वल टू की साइन डालते रहने का हर स्टेप में। अब उसके बाद में ये स्टेप हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/1 लिख लेंगे, 1/1 लिख लेंगे। अब आगे ये दोनों को हमको सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को। तो 1 को हम लोग को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई, 7 को 1 से। एक और तरीका मैं इसका बताऊँ तो आपको, साइन डाल देने का, ऐसा अपनी याददाश्त के लिए ये मैंने साइन डाला है कि हमको इन लोगों को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बड़ी मल्टीप्लाई की साइन उसमें डाल दिया है। अब क्या करूँगा मैं, ये ऊपर का 1 उतरा हुआ है पहले से, इसको उतारा हमने, और ये 1/7 इससे हमने मल्टीप्लाई किया प्लस की साइन। जो काम हमने नीचे किया है वही काम हमको ऊपर भी करना है, ध्यान रखना है। जो काम हमको हम लोग डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही काम हमको ऊपर भी करना है। तो 1/7 और उसके साथ में 5/1, ये 1 कहाँ से आया, ये 1 से हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से 7/1। अब 7 × 7, 7 × 7 प्लस 5 × 5, 7/1, 7 × 7। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर जैसे सेम होते हैं उसको हम लोग एक रूफ में लेके आ गए। 7 एक बार लिखे, ऊपर हमने लिखा 7+5, तो ये हमारे पास में सॉल्व होकर आ गया 12/7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिकैप करते हैं इसका। क्वेश्चन है 1/5/7, 1/1 प्लस की साइन डालना नहीं भूलना है बीच में हमको, और 5/7 ये जो फ्रैक्शन थी। अब उसके बाद में हमको इसको सेम बनाना है, तो इसको हमको क्या करना है, 1/7, ये 7 ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए जो काम हम नीचे कर रहे हैं वो काम हमको ऊपर भी करना है। फ्रैक्शन में जो काम हम नीचे कर रहे हैं वो काम हमको ऊपर भी करना है, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमको 1 से करना है, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 7/7 हो जाएगा 5/7, ये 1/7 × 7, 1/7 × 7, 5/1 × 5, 7/1 × 7, और ये अब दोनों सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शंस के सेम हो गए। तो मैंने दोनों को एक छत के नीचे लिखा या एक फ्रैक्शन में लिख लिया, बीच में प्लस की साइन थी, 7+5, तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 12/7। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको एकदम छोटे से उसमें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th वाला लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2/5/9। ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम, कुछ नहीं, खाली नंबर चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। पहले सबसे पहले हमको इसको सेपरेट करना है, प्लस की साइन डालना है और अपॉन में 9 लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लिखना है। एक और इसमें आपको याददाश्त के लिए मैं बता दूँ, ये दोनों सेम करने के लिए हमको क्या करना है, देखो इसी बड़ी ब्रैकेट डालने का, ये 9 इधर भी, ये 9 इधर भी, ऐसे साइन बनाने का। इसका मतलब 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होने वाला है, 9 से नीचे भी मल्टीप्लाई होने वाला है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट डालें और ये 1 ऊपर यहाँ भी मल्टीप्लाई होएगा, 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई होएगा। ये सिर्फ आपको पेपर्स में नहीं डालने, ये हमको प्रैक्टिस के टाइम पे डालना है, हमको याद करने के टाइम पे इसको डालना है। जब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये 9 से ये दोनों भी जगह मल्टीप्लाई होने वाले और ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। मतलब 2/9, 1/9 प्लस 5/1, 9/1, देख रहे हो क्या किया मैंने, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
और यहाँ पे वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब सॉल्यूशन, टू इंटू नाइन 18 अपॉन वन इंटू नाइन 9, 5 इंटू वन 5, 9 इंटू वन 9, दोनों सेम हो गए। सेम होने के बाद में इन दोनों को अपने को क्या करना है, एक रूफ में या एक फ्रैक्शन में अपने को इसको लिखना है। मतलब 9 तो एक बार आ गया, 18 और प्लस 5, मैं आगे लिख रहा हूँ आपको नीचे लिखना है। 18 प्लस 5 हो जाता है 23, और 9 जो नीचे है वो एज इट इज़ उतर गया। बस ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोग को? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ क्या किया हूँ मैंने। ये जो साइन जो बनाया हूँ ये ऐसे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये फ्रैक्शन को ये वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ये वाली फ्रैक्शन को ये नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद में जब हमने मल्टीप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग क्या करिए, पहले तो इसी क्वेश्चन की जो तीन क्वेश्चन हमने किया है, ये तीन क्वेश्चन की पहले आप लोग देख के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं दूसरे और जो क्वेश्चन बच रहे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आप लोग उसी तरह सॉल्व करके रखिए, ठीक है? और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे वीडियो में पूछ सकते हो, ठीक है? कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।